ये चीजें तो डॉक्टर भी कह देती हैं कि आपके साथ आपके हस्बैंड आपके पार्टनर का होना जरूरी है। तो कहीं काउंसलिंग में भी तो मेरे को नहीं ले गए थे? प्रॉब्लम्स वर्ड सेम है लेकिन होती अलग अलग है। तो पता है वीकेंड का वार होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। डीजे मीका अपने बच्चे की दोहते के किसी भी आप फंक्शन लोगों को के ना साथ अटेंड पहले करना, कुछ लेकिन बातें शेयर होटलों करना में चाहती हूँ, घूमना। फिर डिटेल में आप लोगों के साथ सब बातें क्लियर भी करूंगी। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि जूटी ने कल अपना अपने लिए एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ काउंसलिंग में उनके साथ, ठीक है। वाकई में यहाँ काउंसलिंग ऐसे ही होती है, लेकिन बार बार चाचे ताए मामे ये वो, इतना लंबा करके वीडियो बनाने का अच्छा था कि मायके में, ससुराल में, ननिहाल में, दादकों में ये चीजें बोल देती, बात ही खत्म थी। वाकई में ही ऐसा ही होता है। अभी इन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बोला, तो वैसे भी अगर कोई भी किसी को भी कुछ ऐसी डिजीजेस हो जाती हैं, कुछ ऐसी डिजीजेस कुछ ऐसी होती हैं जिसके लिए वो पूरी फैमिली हिस्ट्री जानते हैं, होता है ऐसे, मुझे पता है इस चीज़। पर ये चीजें जो हैं वो पर्सनल होती तो हैं, जी हाँ, पब्लिकली ऐसा आप ही इनको होता नहीं है। बता सकते। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जूटी से एक चीज़ कि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी जो है पूरे 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद में, ये बात तुम्हारी सही है कि कुछ अगर ऐसे प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं ना कुदरत वो चीज़ जो है आप तक पहुंचाती नहीं। तो ऐसा तो बहुत लोगों के साथ हो चुका है, सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे ही नहीं, आफ्टर डिलीवरी भी। आप देखो ना, कुछ बच्चे एबनॉर्मल हैं तो कुदरत ने उनको भी तो भेजा है ना। ये चीज में आप अपना माइंड सेट करो, ना कि आंखें भर के ये बोलो कि दुख देखो है, हम सबको भी है, तुम्हारे लिए हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे लिए खुद का एक अपना बेबी हो, ठीक है, एक ही हो भले, लेकिन तंदुरुस्त हो, खुशहाल हो, तुम्हारे पास हो, ओके जी। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से ही, जैसा कि तुमने, ये तो काउंसलिंग तो अब स्टार्ट हुई है ना, ये चीजें तो तुम पहले से कह रही हो कि अडॉप्ट करेंगे बच्चा, अब वो बच्चा अडॉप्ट करोगे आप अपनी फैमिली मेंबर का या फिर बाहर से करोगे, ये चीजें भी क्लियर कर देते जबकि आपने माइंड पहले से ही सेट कर चुके हो। और एक चीज, जब आप टेस्ट करवाने गए थे तो उसके बाद आपने वीडियो शूट किया कि सामने ये सुनार की दुकान है, यहाँ तक आपने दिखा दिया था, पीछे का बोर्ड तो दिखाया ही दिखाया, सामने क्या है वो चीज भी आपने दिखाई, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग हुई उस टाइम पे नहीं आपने दिखाया कि आप कौन से डॉक्टर के पास गए हो। तो ऐसा क्यों लगा कि कल का जो आपका वीडियो था वो बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड था, है ना? मतलब किसी ने पूरी स्टोरी लिख के दी हो, फिर दो बार बीच में आपकी सांस फूली, मेरी भी फूल जाती है, तो सांस फूलना अलग मैटर है, ठीक है, आंखें भर आना अलग चीज है, ठीक है, सांस फूलना तो वो तो आप वीडियो में रेगुलर आप अपने वैसे भी दिखाई देते हो, ठीक है। लेकिन अभी जो आप अनहेल्दी फूड ले रहे हो, अनहेल्दी कहा जाएगा, ठीक है, डाइटिंग का प्लान आपकी कोई डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया? क्योंकि डाइटिशियन जो है वो आपको अलग से बना के सारा कुछ देती हैं, तो वो भी आप बता देती है ना। ये चीजें आपके लिए थी, लेकिन जहाँ पे आपके हस्बैंड को साथ जाना चाहिए था वहाँ आप सिर्फ अपनी मेड को लेके गए। आप अपनी मेड को क्यों लेके गए साथ में? ये चीजें तो डॉक्टर भी कह देती हैं कि आपके साथ आपके हस्बैंड आपके पार्टनर का होना जरूरी है। तो कहीं काउंसलिंग में भी तो मेरे को नहीं ले गए थे? तो चलिए, ये बातें जो झूठी ने सच करके बताई तो मुझे ऐसा लगा कि ये गूगल से देख के या फिर कोई सामने बैठा है कि वो इसको बता रहा है कि तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। लेकिन मोटू का भी, हम लोगों को मोटू कहना अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी पतला हो चुका है, जी हाँ। तो अब फिर वो, मैंने सरदार भी रखा था, दाबोस भी रखा था, तो नहीं पसंद आ रहा लोगों को नाम, तो फिर वो हमारी दाढ़ी मूछ वाली बिटिया ही ठीक है ना। तो चलिए, पहले तो ये वाली बात थी कि इन्होंने ऐसे मतलब झूठ लगा, और दूसरी चीज कि पहले तो सिर्फ इन लॉज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम आ रहा था जेनेटिक काउंसलिंग का, लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता है कि गांव वाले भी कहीं ना कहीं छुपते होंगे, बचते होंगे इन लोगों से, पता नहीं कब किसकी ओर उंगली उठा दी जाए। अब तो मामा लोगों की ओर भी है, सबकी ओर है, ये चीजें जो होती है ना, ये चीजें होती हैं पर्सनली,
ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आपका कहना कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, भैया सबका शरीर अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कैसे भगवान ने जीव बना के भेजे हैं, सबकी शरीर की अलग अलग संरचना करी हुई है, संरचना सबके शरीर की अलग अलग संरचना करी हुई है भगवान ने, सबकी बॉडी शेपिंग अलग अलग है, तो उनकी कहते हैं ना बिल्कुल सेम सब कुछ नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम्स भी सेम नहीं होती, प्रॉब्लम्स वर्ड सेम है लेकिन होती अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे मिस गाइड ना करो, जो न्यू मम्मी बनने वाली है ना वो भी डर जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं खुद को लेती हूँ, क्योंकि सेम नहीं कह सकती, मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ और थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला इंजेक्शन लगा था, रिएक्शन कर गया, मुझे दिक्कत हो गई, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टर का ये कहना कि थे कि बच्चा इतना हेल्दी था, 9th month बच्चे के 10th month भी कंप्लीट ही होने वाला था, जो कि 9th month के बाद में बोलते हैं ना 7 दिन ऊपर दिए जाते, वो भी कंप्लीट होने वाला था, कुछ डॉक्टर की गलती की वजह से ऐसा हुआ था। ओके जी, और किसी ने और दूसरी बात कि उसके 1 year बाद मैंने फिर से कंसीव किया। ठीक है, लेकिन उसमें भी मेरा मिस कैरेज हो गया, उसको मिस कैरेज कहते हैं, 2.5 महीने का ही अभी ऐसे था तो मिस कैरेज हो गया, तो उस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था, 2.5 महीने का जो था उसमें मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी जो थी उसका मुझे दुख आज तक भी है। ओके जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सेकंड वाले जो एबॉर्शन था उसमें मुझे दुख क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए मुझे नहीं हुआ था कि मेरे डॉक्टर ने पहले से ही मेरा माइंड सेट कर दिया था कि हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि बच्चा जो है पहले मेरे पेट में ही ख़त्म हो गया था, और मेरा इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाना, चलिए ट्रीटमेंट हुई सब हुआ, तो उसने बोला था सेकंड टाइम भी कई बार ऐसा होता है, तो वैसा हो गया, चलिए हमने कहा कि माइंड पहले से सेट था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि अब जो है जैसे ही आप कंसीव करोगे सेम डे से आप मेरे टच में रहोगे। ठीक है, उसके बाद भगवान की कृपा से मेरे 2 अच्छे प्यारे से बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, तो टॉर्च टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपका ये बोलना कि ऐसा अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो जो चीज़ें गलत हैं तो वो ऐसा मत करिए, आप 2 चांस मेरे साथ हो चुके थे। ठीक है, अगर किसी ने अभी कंसीव किया हो और आपकी वो वीडियो देख ले वैसे ही वो डर जाए। ठीक है, जो चीज़ आपके साथ अभी हुई, ठीक है, उसमें आपने बोला कि बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं जाती है, बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं जाता है, वो सही से डेवलप नहीं होता, तो सेम प्रॉब्लम अभी मेरी सिस्टर के साथ भी हुई ना 8th month में, जब मैंने आप लोगों को बोला था सेम यही चीज़ हो गई थी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने संभाल ली वो चीज़, डॉक्टर ने वो चीज़ संभाल ली। सो प्लीज़ दूसरों को मत डराएं अपनी अधूरी बातों से, जी हाँ अधूरे एक्सपीरियंस से। ठीक है, लेकिन माइंड सेट आप पहले ही कर चुके हो, तो अभी तक आप, मैंने पहले ही बोला कि हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जंग जीतनी बाकी है। ये मेरा आप लोगों को, आपको सॉरी, एक हौसला था, और न्यू मॉमीज के लिए भी हमेशा खुश रहें। ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हारी एक चीज़ अच्छी लगी कि तुम एक बच्चे को ज़िंदगी दोगी, लेकिन जो लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चा, तो आपको पता उसके लिए कितना बड़ा प्रोसीजर है, उसमें भी तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, अगर फैमिली में से लेते हो ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए ये इनकी बात है, अब आते हैं पुत्तन के ऊपर। मैं पुत्तन और नन्नों से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों आपकी इतनी स्मूथली डिलीवरी कैसे हो गई, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली है सारा कुछ, तो हम लोग जो अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर करें उससे अच्छा है, यूट्यूब तो अभी आया ना, सब लोग तो अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पुत्तन की स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी जो है सब लोगों ने देखा कि पुत्तन ने शोर नहीं किया, कुछ बताया नहीं, अंदाजे सब लोगों के थे। ठीक है जी, लेकिन पुत्तन ये चीज़ ज़रूर बता सकती है कि अपनी वीडियो बना के एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है कि क्या क्या उनकी डॉक्टर ने उनको बोला था, और कैसे कैसे उन्होंने उनको कहा था, और कैसे एक थायराइड, देखिए थायराइड का पेशेंट है पुत्तन भी, तो कैसे स्मूथली डिलीवरी हो गई उनकी भी। तो पुत्तन मैं चाहूँगी कि तुम जो है वो अपना रिपोर्ट्स वगैरह ज़रूर दिखाना, और तुम्हारी गायनी ने तुम्हें क्या क्या बोला था वो चीज़ भी आप ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी दीदी का बार बार कहना
कि पुत्तन की गायनी है, पुत्तन की गायनी वाक्य में बहुत समझदार है। सब होती हैं डॉक्टर, सब समझ वाली होती हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को कहते हैं ना माँ वादी ते किसी ने सुवादी, किसी को वो चीज़ सूट कर जाती है और किसी को वो चीज़ नहीं सूट करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे झूठी को, कि आपके लिए तो ये कहना कि मेरे व्यूअर्स मुझे कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दें, ये मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो ये हो गई झूठी की बातें प्रेगनेंसी को लेके, और पुत्तन को एक रिक्वेस्ट भी करी है मैंने कि बाकी न्यू मम्मीज के लिए भी जो बनने जा रही हैं तो वो प्लीज़ पुत्तन का वीडियो जरूर से वॉच करें, कि पुत्तन जो है लास्ट टाइम तक कैसे बहुत अच्छे से रही है, बहुत हैप्पी रही है, और काम भी करती रही है, एक्सरसाइज भी करती रही है, मतलब काफ़ी सही रहा है पुत्तन का। ठीक है जी, तो ये हो गई प्रेगनेंसी की बातें। लेकिन पुत्तन आज जो है बात करी जाएगी आप पर और नन्नू पर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अन्नप्राशन के लिए, कि आज जो आपका बेटा है वो 7 6 मंथ कंप्लीट, 7th लग चुका है उसका, लेकिन हमारे 6 मंथ में ही कर देते हैं ना, 6 मंथ लगते ही, क्योंकि 6 मंथ से तो दाल पानी ये सब देना डॉक्टर कहते हैं स्टार्ट करो, है ना। तो ये सब चीज़ें 6 मंथ में ही हमारे तो अन्नप्राशन का हो जाता है। तो उसमें जो है सबको बुलाया जाता है, खाने पर बुलाया जाता है, 6 चीज़ें भी बनाई जाती हैं जिसमें कढ़ी भी होती है और हलवा होता है, पूरी होती है, और भी बहुत कुछ आप बना सकते हैं, मतलब 6 चीज़ें तो होनी जरूरी होती है। ठीक है जी, लेकिन पंजाब में कहीं कहीं होता है ये 6 चीज़ें तो जरूरी होती हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुंडन सेरेमनी पे कोई फंक्शन नहीं हुआ, और सिद्ध के 13वें पे भी कोई फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि पूजा लगी हुई थी। लेकिन अब तो फंक्शन कर सकते थे आप, एक फंक्शन कर देते, सबको इनवाइट कर लेते, या फिर आपने फंक्शन इस वजह से नहीं किया कि डीजे मी वगैरह की ओर से शायद किसी ने ना आना हो, क्योंकि आपको पता जूटी तो अभी अभी गई है चांदपुर, इस वजह से नहीं आना। जो भी बात थी ये बातें आप क्लियर करते, लेकिन दो तीन लोग आप खुद ही फैमिली वाले लोग गए और जाके पूजा करवा के आपने अन्नप्राशन कर लिया, तो ये चीज़ें जो है ना पैसा बचाने वाली ये बात हो गई। ये बातें जो है ना आपके रिचुअल्स जो हैं प्लीज एक वीडियो बना के जरूर से क्लियर करना कि आपके यहाँ पे क्या रिचुअल्स हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अब की जो है डीजे मी को रोना नहीं आया। डीजे मी को जब तो बहुत रोना आया था, जबकि आपको पता है चिंटू बीमार था, जहाँ फिर चिंटू के पास रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आना था, तो डीजे मी को जो है बहुत रोना आया था। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल भी उदास नहीं हुई कि मुंडन सेरेमनी पे भी वो नहीं आई, और उस पर उन्होंने बहाना बना लिया। हालांकि मेरे को मतलब इतने मेरे खुद के फ्रेंड भी हैं तो ये अजीब सा बहाना बना है कि मामा जो है वो नहीं जाते, हालांकि आप ही के भाई का वीडियो है आपके, सॉरी भाई का नहीं, और हालांकि मामा के लड़के का ही वीडियो है उनके भी, जहाँ पे मुंडन सेरामनी जब हुई है तो मामा तो वहीं पे थे ना। तो ये ऐसे अजीब अजीब से बहाने क्यों बनाए गए, ये चीज़ें भी आप बताना, क्योंकि आप गलत गाइड कर रहे हो। हम लोग इस चीज़ों के लिए ये नहीं बोलते कि आपके फैमिली का मैटर है, ये है वो है फला ढिंगना, वो चीज़ों के लिए बोल रहे जो आप वीडियो पे दिखाते हो और जो हमें गलत लगती है। ठीक है जी, जब तो डीजे मी को रोना आ गया था, बहुत इमोशनल हो गई थी, रोना शुरू कर दिया था, लेकिन बत्ती और झूठी ने पुत्तन की मैरिज की वीडियो बना के सबके साथ शेयर करके कैश करवाई, करवाई कि नहीं करवाई सब याद है आप लोगों को, और पुत्तन की डिलीवरी भी इन दोनों ने कैश करवाई, करवाई है कि नहीं करवाई याद है ना आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बताना किस किस को याद है और क्या क्या याद है, क्योंकि कल का वीडियो कमेंट्स पे भी आ सकता है। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों के सामने। तो अन्नप्राशन की और मुंडन सेरेमनी की वीडियो जो है वो क्यों नहीं कैश करवाई, मामा की जान नानी का लाडला नानी का पारू, मतलब मौसी की जान, इतने सारे सिर्फ नाम ही रखे हुए हैं आप लोगों ने वीडियो में, तो अब याद भी नहीं करते हो। ओके जी, बत्ती तो खैर कभी कभी कर लेता है, उसको पता है वीकेंड का वार होगा इस वजह से वो याद कर लेता है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो इन्हीं के ऊपर था, तो मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।